आपको मालूम है 14 अप्रैल 2024 की सुबह 4:50 पर सुप्रसिद्ध सिने कलाकार सलमान खान इनके घर बांद्रा पश्चिम यहाँ पर दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नजर आती है। उसके बाद उसी दिन शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफर किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है, उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन साइड किए गए। उसके बाद अलग अलग बहुत सारे इसमें 12 जो पथक हैं वो बनाए गए क्राइम ब्रांच की तरफ से, जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के PI भरत गोणे इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही PI AEC अरुण थोरात इनकी दो टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहां पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखतराणा के आसपास पहुंची, छोटा टाउन है ये वहां पर। लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी, तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहां के SP साहब, भुज के SP साहब से कॉन्टेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पर इमीडिएटली PI गोणे की टीम और LCB के लोग नकटराणा से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानु मढ़ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया, सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया और अभी उनको थोड़ी देर पहले अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया और माननीय कोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 तक उनका PCR हमको दिया।